So good morning and happy Sunday morning to all. Gratitude to Dr. Hariman sir, Dr. M.L. Sehgal sir. जो आज एक केस शेयर कर रहा हूँ वो एक 27 ईयर ओल्ड बॉय है जो MNC में काम कर रहा है एज ए टीम लीडर. उसको 3 महीने से पेट में दर्द था, फीवर था और लूज मोशन भी था. दिन में 7 से 8 बार जाना पड़ता था और जब भी वो जाता था स्टूल के लिए तो पेट में दर्द होता था. ये तकलीफ़ उसने 3 महीने पहले बाहर जंक फूड वगैरह खाया रहेगा उसके बाद से स्टार्ट हो गई थी. तो इसने 2-3 कोर्स एंटीबायोटिक का भी लिया था, प्रोबायोटिक्स लिया था, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं हो रहा था. फीवर उसका सबसाइड हो गया था लेकिन पेन एब्डोमेन था और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल था वो भी सेम था. तो उसके पेरेंट्स ने मेरे पास रिफ़र किया था. तो पेशेंट बोला थोड़ा थोड़ा मुझे पेन भी हो रहा है और जब भी स्टूल जाता हूँ तो पेन होता है और स्टूल की फ्रीक्वेंसी भी दिन में 7-8 बार जाना पड़ता है और कभी स्टूल ब्लैक आ रहा है, कभी ग्रीन आ रहा है और स्टूल ऑलवेज सेमी सॉलिड रहता है, लिक्विड रहता है, सॉलिड स्टूल हार्डली कभी आता है. 3 महीने से ऐसा ही चल रहा है. तो मैंने उनको पूछा कि आपका स्ट्रेस लेवल क्या है. तो पेशेंट बोलता है कि अभी मैं एक MNC कंपनी में टीम लीडर हूँ, मेरे से जितने जूनियर है सबका मैं जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है, उनको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे को सॉल्व करके देना पड़ता है. रात में भी 2 बजे 3 बजे उन लोग मुझे उठाते हैं तो उनका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ. कभी कभी ऐसा होता है कि उनसे कुछ काम नहीं होता है तो मैं उनका काम भी पूरा कर देता हूँ. और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, फीवर भी था, तो मैं एंटीबायोटिक्स वगैरह लेके पेन किलर ये लेके ड्यूटी पे जा रहा था लेकिन हार्डली मैंने कभी छुट्टी किया है. और ये कंपनी कैसा है कि अगर अच्छा काम किया तो कुछ अप्रिशिएट नहीं, लेकिन काम में अगर थोड़ा लेट भी हो गया या काम में थोड़ा गड़बड़ हो गया तो बॉस मुझे धमकी देने लगते हैं और हमें सब बॉस और मैनेजर के बीच में मेरी पिसाई हो जाती है. उनका झगड़ा होता है और पिसाई मेरी हो जाती है. तो वो दोनों को भी मुझे खुश रखना पड़ता है, उनको भी मुझे को संभालना पड़ता है. सो दिस वॉज द शॉर्ट केस, प्लीज़ एनालाइज. थैंक यू. तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो मैंने कंसिडर किया था वो ये था कि वो बीमार होने के बावजूद भी एंटीबायोटिक्स लेके पेन किलर लेके बुखार का दवाई लेके भी वो काम पे जा रहा था. बुखार होने के बावजूद भी वो काम पे जा रहा था और उसको जो भी ड्यूटी दी गई थी वो पूरी तरह से निभाता था. सो द रूब्रिक हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी. सेकेंड जो मैंने कंसिडर किया था कि जूनियर्स भी रात में उसको उठाते हैं, जूनियर्स का काम भी वो कर देता है, मतलब जूनियर्स को भी खुश रखता है, बॉस और मैनेजर भी इसको परेशान करता है फिर भी वो दोनों को संभाल लेता है, दोनों को खुश रखने की कोशिश करता है. दिस इज प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज अदर्स. प्लस थर्ड जो था कि जूनियर्स भी उसको रात में उठाते थे, इसका कुछ फॉल्ट नहीं था, उनको कुछ भी तकलीफ है तो इसको उठाते थे और ये उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके देता था. और बॉस और मैनेजर का झगड़ा होता था तो पिसाई उसकी हो जाती थी. अगर जूनियर्स ने कुछ भी गड़बड़ कर दिया या काम में कुछ भी लेट हो गया या कुछ भी गड़बड़ हो गया तो सुनना इसको पड़ता था. दिस वॉज द डेल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज. और लास्ट में जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा काम करो तो अप्रिसिएशन तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर काम में कुछ गड़बड़ हो गया तो बॉस मुझे धमकी देता है, उनका भी सुनना पड़ता है. दिस इज डेल्यूजन अप्रिसिएटेड सी इज नॉट. सो ये 4 रूब्रिक कंसिडर करके मैंने कार्सिनोसिन दिया था. थैंक यू. फॉर दोज हु आर न्यू टू द माइंड मेथड और आर इन टू GP प्रैक्टिस बट वॉन्ट टू स्टार्ट होम्योपैथिक प्रैक्टिस, HSH इज ब्रिंगिंग यू अ बेसिक कोर्स ऑफ अप्लाइड माइंड मेथड. The basic course starts in January 24, where we will teach you rubric selection, common version of patients, daily used rubrics and remedies, entry point of those remedies, confirmatory questions of remedies. You will get recording of these sessions for 3 months. This course will enable you to start your practice independently. With a very minimum fee of Rs. 500 per month, you can enroll for our program. This course will connect you to a group of mentors who are always ready to help you.
anytime you are stuck in your case. For more details, contact Dr. Ashok Awadhia, phone number 9893805528. Thank you.